Subscribe and click the bell icon for the latest updates and notifications from the Indian Express. After being thrashed by England in their last match, India aim for a quick turnaround when they take on Bangladesh in their penultimate league fixture of the World Cup on Tuesday at Edgbaston. लगातार पांच मैचेस जीतने के बाद इंग्लैंड के हाथों 31 रन्स की हार से इंडिया को यकीनन एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि इंडिया अब भी पॉइंट्स टेबल पे सेकंड पोजीशन पे है, बट फॉर अ स्मूथ एंट्री इनटू द सेमीफाइनल्स दे नीड टू डिफीट बांग्लादेश विच इज ट्राइंग टू स्टे रेलेवेंट इन अ फाइट फॉर द लास्ट फोर बर्थ। सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए बांग्लादेश को पहले भारत और फिर पाकिस्तान को हराना होगा, बट दे विल ऑल्सो हैव टू रिलाई ऑन अदर रिजल्ट्स। विजय शंकर के इंजर्ड हो जाने के कारण शायद रविंद्र जडेजा को बांग्लादेश के खिलाफ मौका मिल सकता है। India and Bangladesh have played three matches in the ICC World Cup. While Bangladesh have won just one, India emerged victorious on two occasions. आपको याद करा दें कि बांग्लादेश से हारने के कारण ही इंडिया को 2007 World Cup से बाहर होना पड़ा था। इस World Cup में अगर बांग्लादेश का अब तक का सफर देखें, they look very strong after beating teams like South Africa and West Indies. In fact, their match against Australia was also hard fought. वार्म अप मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को जरूर हराया था, बट दे शुड नॉट टेक बांग्लादेश लाइटली एट एजबस्टन। ऑल आइज विल बी ऑन शाकिब अल हसन, हु इज द लीडिंग रन स्कोरर फॉर बांग्लादेश इन द टूर्नामेंट। हसन हैज ऑलरेडी स्कोर्ड 476 रन इन 6 मैचेस विद द हेल्प ऑफ 2 सेंचुरीज एंड 3 हाफ सेंचुरीज। हसन लंबी पार्टनरशिप बनाने में माहिर है और मिडिल ओवर्स में इंडियन बोलर्स को स्ट्राइक रोटेशन से परेशान कर सकते हैं। ही हैज ऑल्सो बीन वेरी इंप्रेसिव विद द बॉल। He has taken 10 wickets so far in the World Cup. Wicketkeeper Mushfiqur Rahim is the most dangerous batsman in the Bangladesh middle order. After Shakib Al Hasan, Rahim is the second highest scorer in the tournament. His average against India is also quite decent. He is one of the best players of spin and can throw challenge to Kuldeep Yadav and Yajuvendra Chahal. Indian captain has slammed 5 consecutive half centuries in the ongoing World Cup. But fans would expect Kohli to reach the triple figure in this match. अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में भारत के खराब शुरुआत के बाद कोहली ने हर बार टीम को मुश्किल से उभारा है। What role will Kohli play against Bangladesh will be an interesting watch. India's top scorer in the tournament, Rohit Sharma, has already hit 3 centuries. His contest against Bangladesh pacers in the early overs will be crucial. How much support will he get from the fellow opener KL Rahul? That we have to wait and see. इंग्लैंड के खिलाफ अपने धीमी बैटिंग के कारण धोनी को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच में धोनी ने शानदार सेंचुरी बनाया था। विल ही रिपीट द परफॉर्मेंस एंड गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू हिज क्रिटिक्स। सो ब्रेस योरसेल्फ फॉर द क्रूशियल मैच। विल इंडिया बाउंस बैक आफ्टर द इंग्लैंड डिफीट और बांग्लादेश विल ओवरपावर इंडिया टू स्टे अलाइव इन द सेमीफाइनल रेस? लेट्स वेट टिल ट्यूसडे। वेल दैट्स ऑल फॉर नाउ। फॉर मोर न्यूज एंड अपडेट कीप लॉगिंग ऑन टू indianexpress.com।